पाकिस्तान से नेपाल और फिर भारत पहुंची सीमा हैदर की इन दिनों काफी चर्चा है। नेपाल में प्रेमी सचिन के साथ रह रही सीमा क्यों भारत आई है, इस पर देश की खुफिया एजेंसियां माथापच्ची कर रही हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी सीमा के बारे में एक्टिव हैं। पाकिस्तान की सरकार ने सीमा पर अपनी खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट के बारे में पाक के एक उर्दू अखबार ने रिपोर्ट छापी है। माना जा रहा है कि अखबार ने अपने सूत्रों के जरिए रिपोर्ट के बारे में सीक्रेट जानकारी जुटाई है। पाकिस्तान के एक बड़े दैनिक उर्दू अखबार के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की सरकार को सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा का देश छोड़कर जाने और भारत के हिंदू शख्स के साथ रहने के पीछे कोई साजिश नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि प्यार के चलते ही सीमा ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा उसके देश छोड़ने का कोई दूसरा मकसद अभी तक नहीं मिला है। सीमा हैदर से भारत में भी कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। यूपी एटीएस की टीम हाल ही में ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव पहुंची थी, जहां सीमा और सचिन रह रहे हैं। यूपी एटीएस के अलावा आईबी और स्थानीय पुलिस भी इस मामले में कई एंगल पर जांच कर रही है।